अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल डॉग्स इन रावलपिंडी पे एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरे जो इधर वर्कर हैं मेरे पास जो काम करते हैं अबस साहब, इनके साथ मैंने बनाई है एज अ फन के तौर पे। इसको भी आप एज अ फन के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और इन्होंने पहले भी डॉग्स रखे हुए थे। बुली के हवाले से इनका बहुत एक्सपीरियंस है। बुली डॉग इन्होंने रखा हुआ था, पाकिस्तानी बुली जिसको हम कहते हैं, तो बड़ा नामी ग्रामी कुत्ता इन्होंने रखा हुआ था। और उसके अलावा अब ये जो ऑस्कर है, ऑस्कर की ये टेक केयर बहुत अच्छी करते हैं और ऑस्कर ही को ये कहते हैं कि इसको मैं साथ ही लेके जाऊँगा, क्योंकि बाकी डॉग्स को एक तरफ खाना पड़ता है, ऑस्कर को एक तरफ पड़ता है। और ऑस्कर की आप हेल्थ भी देख लें, इसकी कंडीशन भी देख लें, माशाल्लाह चाचा ने सही संभाल के रखा हुआ इसको। और चाचा को देखने में और वैसे भी जो अच्छा लगता है वो ऑस्कर अच्छा लगता है, गोडज़िला उनको इतना अच्छा नहीं लगता, हालांकि दोनों खूबसूरत कुत्ते हैं। तो चाचा जी से बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूंगा, हमारे पास एक लैब फीमेल थी पिछले दिनों, उसके वाले से भी बात करेंगे, क्योंकि चाचा जी कहते हैं ऑस्कर के साथ जौन सी फीमेल भी लगेगी उसके बच्चे बहुत अच्छे आएंगे। तो इंटरव्यू के देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। हाँ जी चाचा जी, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक चाचा जी। ये जड़ा तुसी कुत्ता रखे इस बारे दसो ना, क्या नाम है इसका? ऑक्सर। ते रोटी कितने टाइम पा रहे हो इसनु? रोटी एट टाइम। सारे कुत्तियां दी रोटी इसनु पा रहे हो तुसी? नहीं सर, आपा पाया। ए फिर इतना मोटा क्यों कीते है ने इसनु? इसनु ज्यादा रोटी पाने है। ओ क्यों चाचा? कुत्ता बड़ा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा संभाल के रखे है ने। ते ऑस्कर गल शल भी सुनदा कोई नहीं? बुलाओ ना इसनु। हाँ ते चाचा, मैंने देखो ऑस्कर चंगा वे या गोडज़िला चंगा वे? ऑस्कर चंगा है। अच्छा, ऑस्कर ज्यादा चंगा वे? क्योंकि गल सुनदा इस वजह तू? नहीं, खूबसूरत है ना। अच्छा, गोडज़िला खूबसूरत नहीं है? वो इतना नहीं। अच्छा। ते चाचा लड़दे क्यों वो आपस में? नारजू है। अच्छा, तो इन्हां दी कभी दोस्ती हो जाती है? मुश्किल है दोस्ती है ना दी नहीं होंदी। अच्छा, मुश्किल है या पता है? कुत्ता ने कुत्ता ने चंगा जानदा। हां अच्छा चाचा, मैंने दसो साडे को लेको लैबरा कुत्ती सी चिट्टी, उस दा ऑस्कर नाल अगर क्रॉस कराइए ते बच्चे किस तरह दे आवन? ना बड़े बड़े बच्चे, खूबसूरत आ, जबरदस्त बच्चे आवन? ना हां जबरदस्त। अगर ऑस्कर दा बुली नाल क्रॉस कराइए ते किस तरह दे बच्चे आसन? बच्चे फिर भी सही आ। चाचा जी, रखवाली सही करदा है कुत्ता? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अच्छा, जरा पता लगा ना दीवारा से? हां, ताला मारदा है। चलाना मार दा? या मैं बाहर का जो मैंने फाइल लगा। अच्छा, ते तो आड़े नल किस तरह लिया है? तो क्योंकि तो सीधे आए हो उस टाइम ते इतना बड़ा कुत्ता सी, किस तरह लाया ने? पहले दिन के सी डर लग रहा सी इसको लो? ये पहले तो मैं डरता थी ना। हाँ, दूसरे दिन फिर मेरे ना सेट हो गया। अच्छा, मैं हाथ साथ फेरा। हाँ, क्या शेयर करा? हाँ, सेट हो गया। सही, ते रात ये खुला होता है कि मेरे ख्याल तो आड़े नल ही अंदर कमरे च ही होता ना? किसे टाइम कमरे से आ जाता है? हां, मैं तो बाहर रखवाली करता, मैं कोई फिक्र नहीं होता। अच्छा अच्छा, बाहर सही। ते जब बारिश होती है फिर क्या कर दियो इसको? फिर कुंडी खोल अंदर आ गया कमरे च, या कमरे बिठा लेना। हां, मंजे से बैठ जावे ता थल्ले बैठ जावे ता। सही है। ते चाचा है जेडी साडी गोल्टेर कुत्ती है, इसके बारे दसो के जी कुत्ती है? ए बहुत अच्छी कुत्ती है जी, ते बच्चे ही बहुत अच्छे होंगे। बच्चे अच्छे आणगे? या खूबसूरत है ना? हां, ते कुत्ता फिर तुसी ढूंढ के देसो। अच्छा चाचा, मैंने दसो कि ना है बुली कुत्ता कदू लैके दे रहे हो? मैं जेड़ा तुहाडे कोल बुली कुत्ता सी ओ कितना वड्डा सी, इशारा करके दसो। इतना बड़ा है चाचा? बहुत वड्डा नहीं होगा, थोड़ा छोटा करो। अच्छा, 33 इंच ना उसी? चाचा उस कुत्ते दी कुछ स्टोरी दसो ना, कभी लड़ाई आ रहा भी है? कोई नहीं ना, दो बारी पिटाया या तीन बारी? हां, बहुत सोणा लगदा, बहुत सूटदा। अच्छा अच्छा, नहीं जेड़ा तुहाडा कुत्ता सी पुराना उस दी गल कर रहे? ओ कुत्ता तो बहुत नामी रेड कुत्ता सी। हां, वो इथे पिंडी लड़ गया, इथे जीत गया। तुहाडे लड़े उथे जीतया? हां, फिर सरगो दे लड़े उथे जीत गया। हां, चाचा मैं सुना तुहानू कुत्ता लैके ते कैरी डब्बे दी चाबी दे रहे सन, कुत्ता सानू दे दियो ते कैरी डब्बा ले लो तुसी।
ਚਾਚਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੱਟਿਆ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਫਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਾ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਇੱਕ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਬਾਈ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕੈਸੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਔਸਕਰ ਨਾਲ ਮੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆਸਨ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਆਸਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਮੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੁੱਤਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਆਪੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜਨਾਨੀ ਘੋੜੀ ਵੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਜੰਮਦੇ